दोस्तों जब भी हमें सोलर सिस्टम लगवाना होता है तब हम सभी लोगों का यही ध्यान रहता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल होने चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर होने चाहिए। और ये पूरी जानकारी हम लेने के बाद में हम जाते हैं इंस्टॉलर के पास में, और जहाँ पर हमें सबसे कम कीमत के अंदर सोलर सिस्टम मिल रहा होता है वहाँ से हम इंस्टॉलेशन करा लेते हैं। अब कम कीमत के चक्कर में इंस्टॉलर के पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि आपने जो प्रोडक्ट बताए हैं, अब इनमें तो प्राइस की कटौती नहीं हो सकती, लेकिन जो इसके अलावा एसेसरीज रहती है उसके अंदर प्राइस की कटौती करके आपको सस्ता सोलर सिस्टम दिया जाता है। यानी कि सेम सेटअप आपको 40,000 में मिल रहा है और उसी के लिए आपको 50,000 भी पे करने पड़ रहे हैं। तो हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं देखते कि उसके अंदर कौन कौन सी एसेसरीज काम में ली जा रही है, कौन सी ब्रांड की, हम देखते हैं कम कीमतें और यही प्रोडक्ट बेस्ट होता है। तो ऐसे में जो इंस्टॉलर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, या तो स्ट्रक्चर हो गया, वायर हो गया, कनेक्टर्स हो गया, या फिर जो लाइटिंग अरेस्टर अर्थिंग की जाती है इसके अंदर वो प्राइस की कटौती करते हैं, या कुछ जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें स्किप कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि स्टार्टिंग के टाइम में हमें कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चलता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, अगर कनेक्टर नहीं लगाया, वहाँ पे टेप लगा दी, तो वो टेप जैसे ही वहाँ पे हटती है, अगर कोई वायर आपस में टच हो गया तो यहाँ पे स्पार्किंग के कारण कई बार इन्वर्टर ख़राब हो जाता है। और हम में से ज़्यादातर लोग जब इसकी शिकायत करते हैं तो ये होता है कि ये ब्रांड की तरफ से कोई ख़राबी के कारण या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण इन्वर्टर ख़राब हुआ होगा। लेकिन जो इसका एक्चुअल रीज़न रहता है कि जो प्रॉपर सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन नहीं होने के कारण जो हमारा सोलर सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं MC4 कनेक्टर के बारे में, कैसे MC4 कनेक्टर का प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया जाता है और इन्हें लगाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि 3 kW से जो छोटे सिस्टम होते हैं इनके अंदर ज़्यादातर इस कंपोनेंट को स्किप कर दिया जाता है या फिर सही तरीके से नहीं लगाया जाता है, जिस वजह से इन्हें लगाने का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। फर्स्ट बात करते हैं MC4 कनेक्टर क्या होता है। MC4 कनेक्टर को सोलर सिस्टम में वायर को जॉइंट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक को फीमेल कनेक्टर और एक को मेल कनेक्टर बोला जाता है। जो मेल कनेक्टर होता है इसे सोलर पैनल में पॉजिटिव साइड के लिए काम में लेते हैं, और जो फीमेल कनेक्टर होता है इसे नेगेटिव वायर के साथ अटैच किया जाता है। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको एक कनेक्टिंग प्लेट मिलेगी। इस कनेक्टिंग प्लेट को थिम्बल या फिर फेरुल कनेक्टर भी बोला जाता है। इसके अंदर से जो छोटी कनेक्टिंग प्लेट होती है ये फीमेल कनेक्टर के लिए होती है, और जो बड़ी साइज की कनेक्टिंग प्लेट होती है ये मेल कनेक्टर के अंदर लगाई जाती है। MC4 कनेक्टर IP67 और 68 रेटिंग के आते हैं, जिनकी प्राइस 20-25 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। हम जिस क्वालिटी का यहाँ पे परचेज करेंगे उतनी ज़्यादा हमें प्राइस यहाँ पर पे करनी होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं MC4 कनेक्टर को इंस्टॉल करने का सही तरीका क्या है। इसके लिए हमें पहले कुछ टूल की ज़रूरत होगी, जिसमें फर्स्ट है यहाँ पे MC4 क्रिम्पिंग टूल। ये हर इंस्टॉलर के पास होना चाहिए जिससे वो MC4 कनेक्टर को सही तरीके से इंस्टॉल कर पाए। इसके बाद में आपके पास होने चाहिए MC4 स्पैनर। इनको यूज़ किया जाता है, जो MC4 कनेक्टर है इनको बैक साइड से यहाँ पे टाइट करने के लिए और इन जॉइंट को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए। अगर हम नॉर्मली इसे हाथ से टाइट करते तो ये पूरी तरीके से टाइट नहीं हो पाते हैं, और जिस वजह से ये जो पूरी तरीके से हमें वाटर प्रूफिंग या फिर वाटर रेजिस्टेंस होने का इनका जो बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए इन स्पैनर को काम में लिया जाता है। साथ में आपके पास होना चाहिए वायर कटर। अगर आपको वायर छिलना है तो सही तरीके से आपको वायर छिल के, यानी कि आपको इसके अंदर जो वायर लगना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप ज़्यादा वायर छिले, तो आपको एक एग्जैक्ट साइज नाप के ही यहाँ पर वायर को छिलना चाहिए, जिससे सही तरीके से आप यहाँ पर कनेक्शन कर पाए। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको कनेक्टिंग प्लेट पता नहीं है कौन सी कनेक्टिंग प्लेट है, तो बड़ी साइज़ की जो कनेक्टिंग प्लेट होती है वो पॉजिटिव साइड के लिए यानी कि मेल कनेक्टर के लिए होती है, और छोटी जो कनेक्टिंग प्लेट है वो नेगेटिव के साइड के लिए होती है। आज के समय में मार्केट में क्या किया जाता है, जो छोटे सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं उनके अंदर ज़्यादातर इस कंपोनेंट को मिस कर दिया जाता है, और कई जगह अगर लगा रहे हैं तो वहाँ पर इन टूल्स को काम में नहीं लिया जाता है, डायरेक्ट प्लायर की मदद से इन्हें लगाया जाता है। अगर आप प्लायर की मदद से इन्हें टाइट करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल के लिए ये वाला एक जो वायर है इसको प्लायर की मदद से यहाँ पे टाइट किया है। प्लायर की मदद से अब टाइट करने से क्या हुआ, ये इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर टाइट नहीं हो पाया, इसे जैसे ही ज़्यादा प्रेशर लगा के खींचेंगे तो ये यहाँ पर बाहर निकल गया है। तो ये एक इशू यहाँ पर बन जाता है, जिस वजह से कभी भी हमारे सिस्टम में फॉल्ट वगैरह हो सकता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। इसके लिए पहले आपके पास वायर होना चाहिए, वायर को आप आधा इंच तक छिल लेना है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे वायर जो है वो छिला हुआ है, तो यहाँ पर जो इनका कनेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। जो रेड वायर होता है इसे पॉजिटिव साइड के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं वही वायर ले रहा हूँ। तो हमें ऑलमोस्ट कुछ इतना इसे छिलना है और इतना यहाँ पर इसे लगा के रखना है। अब इसे लगाने का सही तरीका क्या है,
तो यहाँ पर आपको लेना है MC4 क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल के अंदर आपको यहाँ पर 2.5 mm, 4 mm और 6 mm यहाँ तक के वायर को क्रिम्प करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपके पास जो वायर है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो कनेक्टिंग प्लेट है उसे टाइट करना है। यहाँ पे जो ओपन माउथ है यानी कि इसके जो यहाँ पे नुकीले दांत जो ऊपर की तरफ निकले हुए हैं इन्हें आपको ऊपर की साइड में रखना है। मेरे पास यहाँ पे 4 square mm का वायर है इसलिए मैं इसे टाइट करता हूँ। इस क्रिम्पिंग टूल का एक बेनिफिट है कि इसे एक बार आप जहाँ तक प्रेस कर देंगे वहाँ पर ये लॉक हो जाएगा है। तो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपने वायर छिला है इसको आपको इसके अंदर यहाँ पे डाल देना है। ये वायर इसके अंदर चला गया है। अब आपको क्या करना है, इसे नॉर्मली प्रेस करना है। आप इसे जैसे ही पूरा प्रेस करेंगे ये वापस अनलॉक हो जाएगा। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ये कनेक्शन है एकदम ये कनेक्टिंग प्लेट और वायर पूरी तरीके से सही तरीके से लग गया। अब इसे चाहे कितना भी खींच लीजिए ये बाहर नहीं निकलने वाला है। तो ये यहाँ पर एक बेनिफिट होता है कि आप क्रिम्पिंग टूल को काम में लेके करते हैं तो यहाँ पर जो कनेक्शन है उसको लूज होने के कोई भी चांस नहीं रहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है अब उसे देखते हैं। इसके लिए आपको जो एक कैप है MC4 कनेक्टर का कवर की इसे ओपन करना है, इसे इसके अंदर डालना है और वापस यहाँ पर क्या इसे इसके अंदर प्रेस कर देना है। प्रेस आपको वहाँ तक करना है जहाँ पर आपको एक क्लिक का साउंड आता है। इसके बाद में क्या होगा कि अगर आप इसे सही तरीके से अंदर प्रेस कर देते हैं तो उसके बाद में ये बाहर नहीं निकलेगा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसके बाद में ही इसे बैक साइड से टाइट करना है। अब हम इसे हाथ से अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। हाथ से टाइट करने पर यह पूरी तरीके से टाइट नहीं होता है इसलिए हम यहाँ पर स्पैनर को काम में लेते हैं। एक स्पैनर जो होगा वो आगे की साइड में लग जाएगा और जो दूसरा स्पैनर का ये वाला पार्ट है इसकी मदद से हम इसे टाइट करेंगे। तो यहाँ पर इसे लगाने के बाद में आपको इसे टाइट कर देना है। यहाँ पर जब तक क्लिक का साउंड आता है वहाँ तक आपको इसे टाइट करना है। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव साइड के साथ में हमने MC4 कनेक्टर को लगा दिया है। अब इसे भले ही कितना ही खींच के देख लीजिए ये आसानी से बाहर नहीं निकलने वाला है। इसके बाद बारी है नेगेटिव साइड के कनेक्टर को टाइट करने की। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। पहले हम कनेक्टर के अंदर जो हमारी कनेक्टिंग प्लेट है इसे यहाँ पर टाइट कर देंगे। तो इसे हमने यहाँ पर लगा के हल्का सा इसे प्रेस कर दिया जिससे ये लॉक हो गया है। अब हमें क्या करना है, वायर लेना है, वायर इसके अंदर लगा देना है। वायर को लगने के बाद में इसे प्रेस कर देना है। तो प्रेस करते ही ये वापस रिलीज हो गया है। जैसा देख सकते हैं ये भी वहाँ पे सही तरीके से टाइट हो चुका है। सेम आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। आप या तो इसे बैक साइड से जो कवर है इसे ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर लगा दीजिए। अब इसको वापस यहाँ पे बैक साइड से आपको टाइट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे दोनों साइड के कनेक्टर सही तरीके से लग चुके हैं। अब इन्हें आपस में टाइट करते हैं और आप कितना भी यहाँ पे खींच के देख लीजिए ये आसानी से बाहर नहीं आएंगे। इसके बाद में एक और चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादातर हम जो कनेक्टर को ओपन करते हैं या तो यहाँ पर टेस्टर की मदद ली जाती है या हाथ की मदद से इसे ओपन किया जाता है। तो ऐसे में कई बार जो ये साइड के लॉक होते हैं ये टूट जाते हैं और कई बार ये खुल नहीं पाता है। तो ऐसे में जो भी हमारे स्पैनर होते हैं इसके बैक साइड में इन्हें ओपन करने के हमें माउंट मिलते हैं, यानी कि जो ये वाली नोक आप देख पा रहे होंगे ये माउंट, इसकी मदद से आप इसे इजीली ओपन कर सकते हैं। नॉर्मली आपको इसे बैक साइड से यहाँ पे लगा देना है। ये लगाने के बाद में आप इसे खींच लीजिए और ये आपका वायर इजीली बाहर आ जाएगा। तो ये एक सही तरीका होता है जिससे अगर आप इसे खोलते हैं तो ये जो लॉक है ये टूटेंगे नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को आपको काम में लेना चाहिए। अगर आप एक इंस्टॉलर है, ये जितने भी प्रोडक्ट आपको इस वीडियो के अंदर दिखाए हैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं MC4 कनेक्टर लगाने के क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं। जो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है कि जो हमारे कनेक्शन है उनके गलत होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव की साइड है वो वापस जहाँ पर भी आप कनेक्ट करेंगे तो वो सही जगह पर ही कनेक्ट होगा। यानी कि जितने भी आपके पैनल है उनको कनेक्ट करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर यहाँ पर हम बिना MC4 कनेक्टर के कनेक्शन करेंगे तो उनके कौन सा वायर कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है और कोई वायर गलत कनेक्ट हो गया तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है MC4 कनेक्टर को लगाने का। दूसरा बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है कि MC4 कनेक्टर की मदद से किसी भी वायर को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर हम नॉर्मल कनेक्शन यहाँ पर करेंगे तो उसे ओपन करना और वापस लगाना ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसके लिए हमें या तो वायर को कट करना पड़ेगा और अगर पूरा सिस्टम चल रहा है ऐसे में एक वायर को ओपन करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन MC4 कनेक्टर के केस में डिस्कनेक्ट करना काफी इजी प्रोसेस है।
थर्ड बेनिफिट हमारा ये मिलता है कि जितना भी हमारा कनेक्शन होगा और पूरा इंस्टॉलेशन हमारा एक्यूरेट होता है और काफ़ी ईजी हो जाता है। यही कारण है कि काफ़ी सारे लोग अपने सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा उन्हें वायरिंग की इनकी झंझट नहीं रहती है। नॉर्मल एक दो वायर होते हैं और जो MC4 कनेक्टर आते हैं, इसकी मदद से जो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।